بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी को लेकर जो लगातार गुलबर्गा में मजबूती के साथ में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान गनी साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ और इलियास बागवान जो गुलबर्गा नॉर्थ कैंडिडेट हैं उनकी निगरानी में जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी लगातार गुलबर्गा के शहर में मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है और वार्ड नंबर 4 में जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी लगातार वहां पर मजबूती के साथ में वहां के लोगों के दिलों पर राज करते हुए दिखाई दे रही है और कल रात ज्वाइनिंग प्रोग्राम में वहां के सैकड़े कार्यकर्ता और वहां के रहने बसने वाले लोगों ने और हमारी माँ और बहनों ने मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी का दामन थामा और कई दीगर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स आज मजलिस में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी गुलबर्गा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है और वहां पर मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है आज उसी का ये नतीजा है कि वहां के कांग्रेस लीडर और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर मजलिस में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी के और भी दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जल्द ही मजलिस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर दिन नज़दीक आ रहे हैं लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी ने यहां पर कुछ चंद ही दिनों में अपना कब्जा और यहां के लोगों के दिलों पर अपने काम के ज़रिए से हुकूमत की है और जिस तरह से लोग आज मजलिस के लिए दुआएं कर रहे हैं और मजलिस की कामयाबी के लिए जिस तरह से यहां पर लोग काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है और इलियास सेठ बागवान साहब जब से मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तब से लेकर आज तक यहाँ पर दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं वो भी आज मजलिस के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही वो मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी लगातार यहाँ पर काम कर रही है और लोगों के दिलों पर राज कर रही है उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर मजलिस को इतनी कामयाबी और इतनी बुलंदियों को छूते हुए यहाँ के आप देख सकते हैं गुलबर्गा शहर जिस तरह से तारीखी शहर माना जाता है उस तारीखी शहर में मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी अपने बुलंदियों को और अपने इरादों को मजबूत बनाते हुए आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पुरजोस तरीके से यहां पर तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी अपने इरादों के साथ और अपनी हिम्मत और अपने जज्बे और कबूलियत के साथ में यहाँ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जीतेगी और यहाँ पर मेयर बनाने के अहदे जिस तरह से मेयर बनाने की जो मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी ने अज़म लिया है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मेयर बनेगा मजलिस का और जिस तरह से इलियास सेठ बागवान साहब और अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब की निगरानी में मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी काम कर रही है अल्लाह यहाँ पर उनको कामयाबी से नवाजे और आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।